जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो अगेन विद द सरचार्ज विद डिवाइन लव बाय सुखी आंटी, गोइंग टू रीड चैप्टर 14 एंड 15। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 14। अ गुरु ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज डिसाइपल्स। वंस एन इंडिविजुअल इज एक्सेप्टेड एज अ डिसाइपल बाय अ गुरु, इट बिकम्स द ड्यूटी ऑफ द गुरु to protect him and keep him safe. Here again, I would like to mention that a guru only gives you 3 chances. So, देखिए, this is very important कि जब गुरु आपको अपना disciple, अपना शिष्य मान लेते हैं तो उन्हीं का ही ये जिम्मेदारी बन जाती है हमारे गुरु की कि हमें वो protect करें। और वो 3 चीज़ें इसमें आगे बताई हैं। So, here again, I would like to mention that a guru only gives you 3 chances. If you don't listen to him, he then allows you to exercise your free will. So if you are not ready to accept his word, don't go to Guru. Guruji kept telling a family to put off the wedding of their son as it is going to cause them great harm. The family disregarded Guruji's advice and afterward warning the family 3 times, Guruji kept quiet. सो देखिए, फैमिली को उन्होंने 3 बार गुरुजी ने वॉर्न किया कि ठीक नहीं होगा, बट वो फैमिली ने नहीं माना। इट सो हैपन दैट विद इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द मैरिज द गर्ल फाइल अ केस ऑफ डाउरी अगेंस्ट देम एंड इन रिटर्न क्लेम मच मोर देन शी हैड एक्चुअली ब्रॉट। द एंटायर फैमिली वॉज बिहाइंड बार्स एंड दे लॉस्ट देयर हाउस एंड द बिजनेस इन द प्रोसेस। इफ इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ गुरु टू प्रोटेक्ट, इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ अ डिसाइपल टू लिसन एंड एक्सेप्ट हिज वर्ड एज फाइनल। देखिए, इसमें कितना क्लियर है कि अगर हम गुरु जी की को बात मान रहे हैं, हम गुरु जी को अगर मान रहे तो उनकी भी मानो। जब गुरु जी ने उनको बोला कि जो भी उनकी प्रॉब्लम आने वाली थी और गुरु जी ने उनको बताया कि ऐसा नहीं करना है, बट उनको 3 बार गुरु जी ने चांस दिया, तीनों बार इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द डिसाइपल टू लिसन एंड एक्सेप्ट हिज वर्ड एज फाइनल। अ लेडी वाइल क्रॉसिंग द रोड got caught in a traffic from both sides. A judgment error brought her face to face with a vehicle that had no place to go but over her. Thinking it was all over, she closed her eyes and remembered Guruji with all her heart. When she opened her eyes to see why the vehicle didn't hit her, she saw around her a wall of Guruji's protecting her. I happened to be sitting with Guruji when she walked in and fell at his feet. Auntie, बचा लिया मैं आज तेनों, आंटी आई हैव सेव्ड यू टुडे, ही सेड। ऑल वुमेन डिसाइपल्स वर अफेक्शनेटली एड्रेस्ड एज टू एज आंटीज। तो गुरुजी आंटीज बोला करते थे सबको, एंड द मैन अंकल्स। यस गुरुजी, दिस इज द 3rd टाइम यू हैव सेव्ड मी, शी सेड। की करा मैं तेनों उत्ते भेजता हाँ, ते रब तेनों थले भेज देंदा है, तू हले 1-2 बारी होर डाउन करेगी। सो देखिए कैसे गुरुजी यूज़ टू टेल कि भाई मैं तुम्हें बचा लिया है और तुम ऊपर जाती हो, फिर तुम्हें मैं नीचे ले आता हूँ। व्हाट टू डू, आई कीप सेंडिंग यू अप टू गॉड एंड ही कीप सेंडिंग यू बैक, इट सीम्स ही डजंट नीड यू टू बॉदर हिम येट। सो गुरुजी कहते हैं मैं तेरे को ऊपर भेज रहा हूँ, बट भगवान तेरे को वापस नीचे भेज देते हैं, शायद उनको भी तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। So you will keep doing this up down a few more times. Guruji had an amazing sense of humor. This is very true. Guruji used to have a amazing sense of humor. You know, बहुत हंसी मजाक करते थे, बहुत कभी मजा आता था गुरुजी की बातें सुनकर। In another incident, there was a great enmity between 2 landlords of a particular village. One of them happened to be Guruji's devotee. He was being threatened by the other party that if he tries to cut his crops, they would kill him. He came with his problem to Guruji and Guruji said, go tomorrow and cut your wheat crop fearlessly. But Guruji, they have threatened to kill me if I step close to my field. He told Guruji, don't fear, just do as I say. The next day when he reached his fields, he saw a huge wall of Guruji surrounding his entire land. He cut his crops fearlessly and even went and sold them, and his enemies never bothered him after that day. Such is the power of a true guru.
तो देखिए जब उन्हें क्रॉप कटवाने के लिए भेजा तो कैसे गुरुजी ने उनको एक पूरा एक पर्दा डाल दिया उनके आगे, लाइक यू नो एक वॉल खड़ी कर दी. सो अमेजिंग गुरुजी. माय मदर एंड आई वर ट्रैवलिंग ऑन द बॉम्बे पुणे हाईवे व्हेन वी मेट विद अ सीरियस एक्सीडेंट. द इम्पैक्ट वॉज सो ह्यूज दैट द एम्बेसडर कार वी वर ट्रैवलिंग इन वॉज कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ. वी वर हाउएवर वॉक्ड अवे फ्रॉम इट विद माइनर स्क्रैचेस. गुरुजी लेटर टोल्ड अस दैट ही वॉज वॉचिंग द एक्सीडेंट एंड दैट ही हैड सेव्ड आवर लाइव्स. सोची संगत जी, द एम्बेसडर कार यूज टू बी अ सो पावरफुल कार और वो उनकी कितना लगी उनको, दे जस्ट गॉट अ स्क्रैच. मैनी पीपल इन द संगत हैव हैड सिमिलर एक्सपीरियंसिस वेयर देयर एक्सीडेंट कुड हैव बीन फेटल बट दे गॉट सेव्ड बाय द डिवाइन ग्रेस ऑफ गुरुजी. अ फैमिली कैट गेटिंग अप टू टेक लीव फ्रॉम गुरुजी एज दे फेल इट वॉज गेटिंग वेरी लेट एंड गुरुजी वुड मेक देम सिट डाउन. नॉट नाउ, सिट विद मी फॉर अ वाइल लॉन्गर, सेड गुरुजी. व्हेन फाइनली दे वर अलाउड टू गो, वी वर आस्क्ड गुरुजी व्हाई ही केप्ट देम फॉर सो लॉन्ग. द गैस सिलेंडर इन देयर हाउस हैज लीक्ड. सो सोचिए, गुरुजी को हम बैठे हुए ये बात पता थी कि उनके घर के अंदर गैस सिलेंडर लीक हो रहा है और गुरुजी ने वहां को रोका और जाने के लिए नहीं कहा. हैड आई अलाउड देम टू गो अर्लियर, दे वुड हैव गॉन होम एंड स्विच ऑन द लाइट विच वुड हैव कॉज द हाउस टू गो अप इन फ्लेम्स एंड रिजल्टेड इन देयर डेथ. नाउ इट इज सेफ फॉर देम टू गो बैक. सो देखिए, आई थिंक जब तक वो सिलेंडर लीक किया तब तक आई थिंक उसकी जो गैस है वो अपने कमरे से निकल चुकी होगी. उसके बाद गुरुजी ने उनको भेजा. अ गुरु नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स हिज डिसाइपल्स बट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देयर बिलोंगिंग्स. तो देखिए, गुरुजी खाली कितनी क्लियर बात लिखी है, गुरु खाली एक यानी कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी बिलोंगिंग्स है ना उसको भी वो प्रोटेक्ट करते हैं. अ फैमिली वॉज कैरिंग अ बिग अमाउंट ऑफ मनी इन अ ब्रीफ केस फॉर सम वर्क. When they reached home, they met someone and while talking to them, forgot they had kept the briefcase on the scooter. The briefcase with a couple of legs stayed put on the scooter all night in a busy street. देखिए, कोई briefcase कोई नहीं छोड़ता, सबको पता है कि briefcase में normally पैसे होते हैं. Next morning, when the family realized their briefcase was missing, they ran out to look for it. The briefcase was there as they had left in the night before. When they went to Guruji, the first thing he said to them was, "Auntie, you kept me standing out all night. I had to brave the cold to protect your money." सोचिए, गुरुजी खुद ये बात बता रहे हैं कि जो स्कूटर पे उन्होंने पैसा छोड़ा था, गुरुजी पूरी रात वहाँ खड़े रहे ठंड के अंदर ताकि उनके पैसे को वो बचा लें. My neighbor is someone who visits Pandit and soothsayers pretty often. One day her daughter was very upset, so I gave her a small photograph of Guruji. To keep with her. The next morning, however, she came running to me. My mother wants me to return this photograph to you, and I hope you don't mind. No, I don't mind at all. But what happened? I asked her. The Pandit, my mother goes to said that there is some presence in the house that is not allowing him to do anything, and that it must be removed. Although I felt pity for such ignorant souls, I was amazed to see how much protection a small photograph of Guruji. So, संगत जी सोचिए, एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप में उस पंडित को ये पता चल गया कि कोई घर में पावर है और वो अंदर नहीं जा पा रहा है. तो सोचिए कैसे गुरुजी प्रोटेक्ट करते हैं छोटे से स्वरूप के अंदर भी. वो गुरुजी का स्वरूप तो स्वरूप है. खैर, इन द हाउस कैन गिव नथिंग बैड और इविल डियर एंटर अ हाउस वेयर गुरुजी इज प्रेजेंट. देखिए, वही बात लिखी है इसमें कि कोई ऐसी चीज़ एंटर नहीं कर सकती जहाँ गुरुजी का स्वरूप होता है. गुरुजी, आई सॉ माई हाउस सराउंडेड बाय अ ब्यूटीफुल लाइट. व्हाट इज इट? आई आस्क्ड गुरुजी आफ्टर आई हैड विटनेस्ड अ ब्यूटीफुल ग्लो ओवर माई हाउस. ए मेरिया ब्लेसिंग्स, हाँ, मेरी प्रोटेक्शन तुहाडे सारे घर दे उत्ते है. जिस दे घर में चले जावा उस परिवार नू कदे पाठ करन दी लोड़ नहीं पैंदी. तुसी सारे प्रोटेक्टेड हो. दैट इज माई ब्लेसिंग्स and protection to your entire family. Any house I visit need not bother to do prayers for the rest of their lives. You are all always protected. Guruji has his ways of protecting his disciple. Anytime a car broke down in the wilderness, there would always be help at hand. He would call for you
if he saw any illness coming to you and would cure you without even telling you. Many times traveling alone and late at nights, we have felt Guruji's presence with us right up to our doorsteps. The following parable will illustrate the protective shield of a guru. King, who was hunting suddenly, decided to visit his guru in the forest. Unfortunately, he was thrown off his horse and bolted, leaving him alone in the forest. With a great difficulty, he reached his guru's ashram, all bruised and in a bad state. He asked his guru why he had to suffer such a fate when all he wanted was to visit the guru. The guru just smiled and told him that he would get his answer when he reached home. On reaching his kingdom, the next day, the king came to know that he had escaped an attempt on his life. The servant who decided to sleep on the king's cot in his absence was beheaded by an enemy soldier who mistook him to the king's. तो सोचिए कितना एक स्टोरी में ये फॉर्म में बताया गया है कि कैसे वो राजा इतना परेशान होता है, जंगलों में घूमता रहता है और अपने गुरु के पास जाता है तो वो यही कहता है कि मैं ऐसी हालत में क्यों था. और जब वो नेक्स्ट डे अपने किंगडम में पहुंचता है तो जो राजा बना के एक उसके उनके जो उनको सर्वेंट को जो राजा बना के लिटाया गया था उनकी कोर्ट पर, उसको देखिए मार दिया जाता है. अगर वो राजा सच में मतलब खुद होते तो वो मारे जाते. तो वो गुरु यही बता रहे हैं कि गुरु को सब पता होता है, तुम्हें जो तकलीफ मिली वो क्यों मिली, उसका रीज़न ये था. सो वी शुड नॉट क्वेश्चन आर गुरु. द गुरुज ग्रेस हैड मेड द किंग वॉन्ट टू विजिट हिज गुरु एंड दस प्रोटेक्टेड. ऑलवेज हैव फेथ इन योर गुरु. Even though at that moment you may feel nothing is making sense, but remember everything is a guru says or does has a purpose, and the purpose is a benefit of his disciple. So now the chapter 15, Guruji's strange ways of treatment. Guruji, you have the strangest way of curing people. I asked him one day. मैंने तुहानू क्योर करन वास्ते कुछ करन दी लोड ही नहीं है. मेरी पावर ही थानू क्योर कर देंदी है. तुसी ह्यूमन बीइंग दी मेंटेलिटी अजे की अजे ही कि जदों तक अजे ही है कि जदों तक मैं कुछ करन ना देवा तुसी बिलीव नहीं करोगे कि मैं क्योर करता हाँ. सो वैसे वेरी ट्रू संगत जी कि ये गुरुजी का सच में ये वचन है एक कि जब तक हम लोग है ना कि हमारे इंडिया में तो ये सच में है कि जब तक चमत्कार को नमस्कार है तो जब तक वो चीज़ें नहीं मिलती हमें, लाइक गुरुजी से वो ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं, वो चमत्कार नहीं मिल रहा है बेसिकली, तब तक उनको हम सोचते नहीं हैं. तो वही गुरुजी ने बोला उनको यहाँ पर, आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग टू क्योर यू. माई पावर इज एनफ टू क्योर यू वंस यू कम नियर मी. इफ आई डोंट टेल यू आई हैव क्योर यू. अ ह्यूमन बींग्स मेंटेलिटी इज सच, ही सेड. एंड वाई डू यू क्योर diabetes with sweetmeats and jalebis and ulcer with hot spicy chutneys? These are the things one must avoid when diagnosed with these illness. I asked Guruji, laughed. Illness, I asked. Guruji laughed and with a naughty look on his face answered, ऐ मेरा टेस्ट है. मैं देखता हाँ कि कौन मेरे ते फुल फेथ रखता है. जेरा ते मेरे ते फेथ रख के खा जाता है उस दी शुगर में जद तो कद जड़ तो कद 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 देना हाँ देंदा हाँ. सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. जो इंसान अगर मगर विच फंस जाता है सो उसका पूरा क्योर नहीं होता जब तक मैं ना चाहा. सो देखिए संगत जी कितना गुरुजी ने क्लियर इसमें बोला है कि फेथ रखे. गुरुजी ने खुद देखिए इसमें बात बोली है और दिस इज वी हैव बीन रीडिंग इन द शिव पुराण इन एवरी ग्रंथ सिंस आवर चाइल्डहुड कि वो फेथ बहुत ज़रूरी है. खुद गुरुजी ने बोला कि जिसको फेथ है मेरे पे उसकी मैं डायबिटीज़ भी ठीक कर देता हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल है. फिर अगर वो फेथ नहीं रखता तो फिर जब तक गुरुजी नहीं चाहेंगे वो इंसान ठीक नहीं हो सकता. दैट इज़ माई टेस्ट. आई सी इफ यू हैव एनफ फेथ इन मी टू ट्रस्ट मी विद योर लाइफ एंड हेल्थ. दोज हु डू ईट द स्वीट मीट्स विदाउट हेजिटेशन इन स्पाइट ऑफ हाई डायबिटिक्स, दोज हु आर द वंस हु पास माई टेस्ट एंड हुज इलनेस I eradicate from the root. He further added, those who get into ifs and buts
will not be cured fully unless I choose to. He went on to explain, मेरे कोल इलाज मंगन ना आया करो, मेरे कोल श्रद्धा ते प्यार नाल आना चाहिदा है, मैनू सब पता है। मंगन नाल तुसी महापुरुष नू अपने लेवल तक थल्ले खींच लेंदे हो कि खुद नास्तिक बन जाते हो। संगत जी देखिए कितना गुरु जी ने क्लियर ये बातें बोली हुई हैं, और आई थिंक इसलिए हमें कहते हैं कि जो ये जितने ग्रंथ हैं वी मस्ट रीड एक्चुअली, कि जो मेरे पास इलाज मांगने तुम आते हो मेरे पास मांगने मत आया करो, और मेरे पास तुम श्रद्धा ना लाया करो, सिर्फ श्रद्धा के साथ, और मेरे को मैनू सब पता है। तो सी गुरु जी ये खुद के वर्डिंग्स हैं ये, और जब मांगने के साथ तुम महापुरुष को नीचे खींच लेते हो, मतलब यू नो आप उनकी पावर को वो करते हो कि यू नो मतलब बिल्कुल डाउन कर देते हैं उनकी पावर को। लाइक ये तो सच में मुझे ऐसे ही लग रहा है संगत जी, जैसे सपोज करो लाइक आई एम ए डॉक्टर और मेरे पास कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है और मेरे से बार बार सवाल पूछे, आपको आता है ना, आप इलाज कर लोगे ना, आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सोचिए मुझे सच में कैसे फील होगा कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की है, मैं डॉक्टर हूँ, कोई भी डॉक्टर इनफैक्ट है ना, सो वो तो रब है। सोचिए जब आप एक डॉक्टर से ऐसे बात नहीं करते हो, या अगर कोई करता है तो हमें यही फील होता है कि भाई मैं डॉक्टर हूँ या आप डॉक्टर हो, तो क्यों अपने हम कहते नहीं कितनी बार क्यों गूगल सर्च करके आप हमारे पास आ जाते हो। तो जो ये लोग इस तरह के लोग होते हैं, हम लोगों को बहुत वो करते हैं कि लाइक अपनी नॉलेज अपने पास ही रखो, हमें पता है कि हमें क्या करना है, कि हमें लाइक जैसे आई डू द रूट के नाल, तो वो ना जड़ से ख़त्म करने वाला, मतलब बीमारी को हम लोग ये कोशिश करते हैं। सो देखिए वो तो रब है। डोंट कम टू मी फॉर क्योर्स, कम टू मी विथ फेथ एंड लव एंड आई विल क्योर यू विदाउट। आई रिमेंबर बींग ट्रीटेड न्यूमरस टाइम्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ दैट स्पून, एंड देयर वर डेज वेन द स्पून बिकेम सो हॉट दैट वन कुड नॉट होल्ड इट। आई नेवर हैड टू टेल वट वॉज हर्टिंग एंड द वुड ऑलवेज सीम टू नो। अपार्ट फ्रॉम द स्पून आई हैव हैड मैनी ट्रीटमेंट डन बाई यूज ऑफ बीटल लीव्स। देखिए वो जो गुरु जी का स्पून होता था, वो गुरु जी कह रहे हैं स्टेथोस्कोप है। सो जैसे हम लोग अपने डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, तो वो गुरु जी का जो स्पून था वो स्टेथोस्कोप का काम करता था। जैसे गुरु जी उसको लगाते थे और गुरु जी को चीज़ें पता चल जाती थी, प्लस वो बीटल लीव्स का जो ट्रीटमेंट करते थे। दे वर ऑलवेज केप ओवर द एरिया दैट नीडेड ट्रीटिंग एंड मैनी टाइम्स दे यूज टू बी बिकम हॉट एंड सीम टू बर्न विथ हीट। तो सोचिए कि वो जो पत्ते होते थे वो भी हीट में जल जाते थे, वो चम्मच भी गर्म हो जाती थी। वाई बीटल लीव्स, कैन एनी अदर लीव्स बी यूज? आई आस्क गुरु जी। बीटल लीव इज द प्योरेस्ट, इट्स यू बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट्स अ फेवरेट विद ऑल गॉड्स। देखिए पीपल के पत्तों को इसीलिए बहुत शुभ माना जाता है, और आपने देखा है कि वही पत्ते यूज किए जाते हैं, तो आई थिंक यही रीजन है जो गुरु जी ने बताया। गुरु जी वट अबाउट द कॉपर वेसल्स एंड पॉट्स यू ब्लेस एंड गिव टू सर्टन पीपल टू ड्रिंक वाटर आउट ऑफ। आई आस्ट, आई वॉन्टेड टू नो इफ इट वॉज गुड टू ड्रिंक वाटर आउट ऑफ द कॉपर वेसल इन जनरल और वॉज देयर समथिंग मोर ऑफ इट। तो आंटी अब यही पूछ रहे हैं कि लाइक वो जो तांबे के बर्तन में जो गुरुजी पानी ब्लेस किया करते थे उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मतलब वो दिया करते थे। तो नो गुरुजी सेइंग, तांबे दी गड़वी मेरी ब्लेसिंग है, थानू तुहाडी फुल लाइफ वेस्ट उसका पानी रोज अमृत बनाया करूँगा ते तुहानू बीमारियों तो दूर रखेगा। तो देखिए गुरुजी सबको पता है कि अगर कॉपर के अंदर हम लोग पानी पीते हैं इज़ वेरी बेनिफिशियल एक्चुअली, और सारी बीमारियों, तो सोचिए गुरुजी में कितनी अच्छी बातें बता के गए हैं। और आई थिंक मुझे तो लगता है कि जब गुरुजी ने ठीक है कुछ कुछ लोगों को ब्लेस करते थे, बट अगर हम वो तांबे का लोटा अगर हम गुरुजी के आगे रख के और मतलब हम लोग रोज रखें और रोज पिए, तो आई थिंक बहुत बीमारियों से बच सकते हैं। आई थिंक मेरे को लगता है इतने माड़े वक्त के अंदर जो गुरुजी ने ये कुछ हमें चीज़ें बता के चले गए हैं, जैसे चाय का उन्होंने बताया कि कार्डमम डालो, मोटी इलायची डालो, बहुत सारी संगत को डिफरेंट, तो देखिए वही चीज़ अब काम आ रही है। और आई थिंक शायद मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अभी भी जब मैं किचन में गई तो आज आई डोंट नो मेरी हेल्पर ने जो तांबे के जो लोटे मेरे पड़े हुए थे वो आज निकाल के रखे, आई डोंट नो वो क्यों रखे, उसने क्लीन किया या क्या किया, आई थिंक मे बी इट्स अ मैसेज फॉर मी ऑल्सो। Those are my blessings to you for the entire life.
The one I have blessed will remain blessed and the water will turn into amrit and will keep you away from the disease. तो देखिए हो सकता है कि जो ये बीमारी फैली हुई है इसका शायद मे बी यही इलाज हो, मे बी अभी मुझे पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा. महाप्रसाद और द रेमनेंट्स ऑफ अ गुरुज फूड एंड ड्रिंक हैज सच हाई पोटेंसी दैट व्हेन टेकन अप बाय द डिसाइपल कैन क्योर हिम ऑफ द मोस्ट इनक्योरेबल डिजीजेस एंड कैन एलिवेट हिम स्पिरिचुअली. तो देखिए जब गुरु जी अपना प्रसाद देते थे वो पहले पीते थे, उसमें जो बच जाता था उसके बाद वो किसी किसी को देते थे. तो देखिए जब सोचिए वो रब अगर आपको अपना प्रसाद दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सोचिए उसमें कितनी पावर होगी. और अब देखो आगे हम पढ़ते हैं. गुरुजी गेव महाप्रसाद टू ए वेरी फ्यू सिलेक्टेड डिसाइपल्स. द डे एनी वन ऑफ अस गॉट हिज महाप्रसाद विल बिकम क्लियर विद द फॉलोइंग इंसिडेंट. सॉरी, वी वुड बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. द वैल्यू ऑफ अ गुरुज महाप्रसाद विल बिकम क्लियर विद द फॉलोइंग इंसिडेंट. अब देखिए आगे नेक्स्ट एक ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट अब क्या होगा कि जब गुरु जी का प्रसाद जो दिया हुआ है, स्पेशली उनका झूठा प्रसाद जब को नहीं लेता, उनके साथ क्या हुआ. माई मदर एंड आई वॉज सिटिंग विद गुरु जी इन जालंधर टेम्पल विद अ फ्यू अदर्स. वेन दे हैव टॉक्ड सॉरी वॉक्ड इन टू वुमेन ड्रेस्ड इन देयर फाइनरीज. Guruji was having his tea when he suddenly placed the leftover tea in front of one of them and said, "Auntie, drink it." She in return told Guruji that she doesn't drink anyone's leftover tea. तो सोचिए वो आंटी ने कैसे बोला गुरु जी, क्योंकि वो झूठा नहीं खाती और मैं किसी का लेफ्ट ओवर नहीं लूंगी. We tried to tell her it was his blessing and that he is giving to you in the form of his tea. But there was no reasoning with that woman. She was adamant and didn't want any of it. Guruji smiled and gave it to someone else, who grateful drank every last drop of it. After about a month, we happened to be sitting with Guruji again, when late at night, there was a knock on Guruji's temple door. We saw four men bringing a lady on a stretcher and putting her at Guruji's feet. They were all crying and told Guruji that the doctors had given up on her. We recognized her to be the same lady who had refused to drink Guruji's leftover tea. तो सोचिए कि कैसे उस लेडी को स्ट्रेचर्स पे लेकर आया गया और ये कहा गया कि डॉक्टर्स ने हैंड्स अप कर लिए और उन्हें पहचाना कि ये शी वाज द सेम लेडी जिसने मना किया था गुरुजी की चाय नहीं पिएगी वो. आंटी, जदों मैं अपना महाप्रसाद तेनू दिता सी ते तू कहंदी सी आई डोंट ड्रिंक झूठा. उस दिन मैं इसी बीमारी का इलाज दिता सी. जे तू उस दिन मेरी चाय पी लेंदी तां इस हालत विच ना होंदी. आंटी, दैट डे वैन आई गेव यू माई टी यू सैड यू डोंट ड्रिंक अदर्स लेफ्ट ओवर टी बट आई हैड फोरसीन योर इलनेस एंड हैड गिवन यू माई टी फॉर दिस रीजन ओनली. हैड यू एक्सेप्टेड माई ब्लेसिंग्स दैट डे यू वुडंट हैव बीन इन सच अ कंडीशन. We all knew that our guru was too kind and forgiving and would still save her. That's exactly what he did. तो देखिए अगर हम लोग गुरु जी की बात नहीं भी मान रहे हैं बट उनके पास फिर भी कोई पहुंच रहा है, भोले बाबा है ना, बहुत दयालु हैं, तो फिर भी उनको तो बचाना था उनको. सो वही किया उन्होंने. गुरु जी आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट. सॉरी, हाँ गुरु जी आई डोंट लाइक गोइंग टू द डेंटिस्ट. आई हेट दैट चेयर एंड आई एम स्केर्ड. I told Guruji one day, with all due respect to all dentists around the world, I do understand being a dentist के लोग सच में हमारी चेयर पे बैठते हैं तो उनको बहुत डर लगता है. इस पे इनफैक्ट एक 10th में एक पोयम भी बनी हुई है. I never was their biggest fan. What happened? He asked. Guruji, I have been diagnosed of a deep bite. I had it rectified as a child, but it seems to have relapsed. The doctor suggested braces. Being in college, I was just as any other young girl, not keen on having my looks spoiled. Does that mean your teeth will fall off sooner than other people's? He asked. Well, yes, something like that. What should I do? You don't want braces? He inquired. No, Guruji, I won't look pretty.
सो बेसिकली इनको ब्रेसिस लगवाने हैं, डेंटिस्ट ने बोला, और ये डीप बाइट थी और डीप बाइट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार दांत आपस में घिस जाते हैं। बट एक यंग बच्चे को ब्रेसिस लगवाने के लिए उनको लगता है कि उनकी लुक खराब हो रही है, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनको ब्रेसिस लगे। गुरुजी चोज टू टेस्ट मी एट द मोमेंट, ही सेड देयर इज अ फकीर इन पंचकुला हु अप्लाइज अ पेस्ट ऑन अ पर्सन्स टीथ एंड द टीथ रिमेन गुड फॉर 5 years, गो टू हिम। सो देखिए गुरुजी कैसे मतलब मुझे भी जस्ट बीइंग अ डेंटल सर्जन मुझे बहुत लग रहा है कि गुरुजी ने उनको किसी फकीर के पास भेजा और वो पेस्ट लगाएंगे और दांत 5 साल तक ठीक रहेंगे। फकीर, व्हाई शुड आई गो टू फकीर व्हेन आई हैव यू, बिसाइड्स ही कैन जस्ट क्योर मी फॉर 5 years, व्हाट हैपन्स आफ्टर 5 years। बात भी ठीक है कि गुरुजी ने कहा 5 साल आपके दांत ठीक रहेंगे वो पेस्ट लगाते के साथ ही, बट उसके बाद आई वॉन्ट अ परमानेंट सोल्यूशन। ही लाफ एंड सेड कांट हैव यू लुक ओल्ड विद ऑल योर टीथ फॉलिंग ऑफ, शो मी योर टीथ। ऑन सी माई टीथ ही कमेंटेड यू हैव टीथ लाइक माइन। सो देखिए गुरुजी हंस रहे हैं, दांतों की बात चल रही है, डेंटिस्ट की बात चल रही है, तो मुझे भी बहुत चेहरे पे स्माइल आ गई है। सो गुरुजी उनको कह रहे हैं कि तो क्या हुआ आंटी, लाइक अगर सारे दांत गिर जाएंगे तो तुम ओल्ड लगोगी क्या। ही पुश सम ऑफ माई टीथ एंड पुल्ड एट सम एंड फाइनली सेड देयर यू गो, आई हैव क्योर्ड योर प्रॉब्लम, दे वोंट फॉल ऑफ नाउ। अमेजिंग, मतलब गुरुजी डेंटिस्ट भी हैं, शुक्राना गुरुजी। आई मीन मुझे आज ही पता चला कि मैं हमेशा वैसे गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आप ये भी हो वो भी हो सब कुछ हो, बट दिमाग में कभी ये नहीं सोचा था कि गुरुजी डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, बट गुरुजी तो डेंटिस्ट भी निकले। आई वॉज माइटी प्लीज एंड नीडलेस टू से नेवर वेंट बैक टू दैट डेंटिस्ट। द नेक्स्ट डे व्हेन आई रीच द टेम्पल आई वॉज टोल्ड गुरुजी हैड गॉन आउट एंड दैट आई शुड वेट फॉर हिम। विद इन अ आवर गुरुजी वॉक्ड इन एंड वेंट स्ट्रेट टू हिज रूम। He called my mother and me inside and saw he was in pain. Guruji, what happened? I asked. I have an operation done on one of my teeth and that's hurting badly. Oh my God. Tomorrow I have to go and have the same procedure done on the other side. He answered. My heart sank. I had a real bad feeling about this and as I was about to ask him, he nodded in affirmation. Yes, I have taken all your dental problems that were yet to come onto myself. देखिए कैसे गुरुजी शंकर जी अपने ऊपर प्रॉब्लम ले लेते थे। सोचिए उन आंटी का दांत उन्होंने ठीक किया बट उनके दांत में तकलीफ हुई, जिसके लिए गुरुजी ने को डेंटल प्रॉब्लम के लिए किसी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा और उन्होंने ये कहा कि डेंटल प्रॉब्लम उन्होंने ले ली है और वो सब गुरुजी ने अपने ऊपर ली है। सो देखिए सच में गुरुजी ना अपने ऊपर प्रॉब्लम लेते थे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब गुरुजी से मैं बहुत कुछ पूछती थी, गुरुजी कई बार कहते जाता ना पूछा कर आंटी बड़ा पूछती है, तो यू नो तब से समझ नहीं आती थी मुझे कि लाइक शायद वो हम जो अपना तकलीफ गुरुजी को बता रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो शायद वो गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं। बहुत सॉरी गुरुजी, मतलब कुछ चीज़ें तो मैंने भी आपको बोली गुरुजी ऐसे ठीक कर दो। और देखो मुझे अभी जब अचानक से याद आ रहा है कि जब मेरे हस्बैंड ने एक बार बोला था कि लाइक उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो देखो गुरुजी के एक बार पेट में दर्द हुआ था और आई डोंट नो उनका लिया था या बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। अ पेशेंट ऑफ हर्निया वंस केम टू गुरुजी इन सीवियर पेन। गुरुजी प्लीज ब्लेस मी, आई डोंट वांट टू अंडरगो एन ऑपरेशन, ही बेग्ड। गुरुजी लुक्ड एट हिम एंड सेड ओके इफ यू डोंट वांट टू गो अंडरगो एन ऑपरेशन देन डू वन थिंग फॉर मी व्हाइल आई एम आउट, आई विल डू एनीथिंग गुरुजी प्लीज हेल्प मी। ही वेंट ऑन carry all my flower pots that you see here to the terrace and bring all the ones on the terrace down. Remember, you must not take anyone's help. Having said this, Guruji went out of the temple. In Guruji's absence, he very sincerely did as he was told. In spite of having pain, he had so much of faith in his Guru that he was willing to die trying. He soon realized that the more pots he carried, lesser was his pain. तो सोचिए गुरुजी ने कहा कि गमले उठा के ऊपर टेरेस पे रख दो और इसको हर्निया का दर्द हो रहा हो और किसी की हेल्प नहीं लेनी, ये बात गुरुजी ने बोला था। तो देखिए वही हुआ कि वो उनको यही फेथ था कि गुरुजी बोल के गए हैं तो मुझे ये काम करना है, जबकि वो पेन में थे। एंड लेटर ही रियलाइज कि उनके पेन नहीं हो रहा,
When the last pot was left to bring down, Guruji came back to the temple and called for him. So how many pots are left? Guruji, just one more to go. He replied, bring the last one down as well as, or else the operation I have performed on you will be incomplete. तो देखिए ये गुरुजी का ऑपरेशन करने का तरीका था कि अब इतने पॉट्स लेकर आ जाओ तो अब योर ऑपरेशन इज डन. गुरुजी जोकिंगली सेड ही ब्रॉट डाउन द लास्ट पॉट एंड दैट वाज द एंड ऑफ हिज पेन. ही नेवर हैड द प्रॉब्लम ऑफ हर्निया अगेन. तो सोचिए गमले रखवा कर गुरुजी ने किसी का हर्निया ठीक कर दिया, और जैसे गुरुजी कहते थे किसी की हेल्प नहीं लेनी और उन्होंने सब वैसे ही किया. तो सोचिए जब गुरु हमारे जो कह रहे हैं उसको प्लीज़ आप करो. इन चंडीगढ़ where Guruji used to go for his evening walks, there was an old lady with a stick who could hardly walk. One day, Guruji just kicked her walking stick and continued walking. सोचिए कितना बुरा although लगा होगा, but वही देखिए वही हुआ आगे. The lady became so furious with Guruji that she walked behind him, hurling abuses at him. Sorry, Guruji, लेकिन लिखा हुआ है तो I have to read. Guruji continued walking unfazed. After having taken almost half the round of the park, Guruji stopped and turned around to talk to her. Mataji, instead of abusing me, why can't you see that you have walked all this distance without a stick, whereas earlier you could hardly even walk with his support? तो सोचिए गुरुजी ने कैसे छड़ी फेंक दी और गुरुजी को इतना गलत बोल रही हैं. तो गुरुजी कहते हैं इतना गलत बोलने की बजाय ये देखो कि आप मेरे आधे घंटे से मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, and that is without a stick. She seems to be in a shock because she could not talk. She would sometimes look at a stick and sometimes at Guruji and couldn't believe that she walked all his distance without one. Ever since childhood, I have been experienced pain on the left side of my chest. Many times I would get myself checked, but no one could tell me why I was experiencing this pain. The doctor told me that it could be either a muscular pain or something psychological. I never mentioned this to Guruji, and one evening after having finished my work at the temple, I was called to sit beside him. You have always had chest pains? Yes, Guruji, ever since childhood, I replied. देखिए गुरुजी को सब पता है, वो बता भी नहीं रही है कि उनके लेफ्ट चेस्ट में पेन होता है, और उसके बावजूद गुरुजी ने कहा कि आपको पेन होता है. So I replied, you have a tiger's paw on your chest, that is why it hurts. तो गुरुजी ने ये कहा कि तुम्हारे ऊपर एक टाइगर का पाव बना हुआ है, एक पंजा बना हुआ है कुछ, और इसलिए तुम्हें पेन होता है. I have never understood the meaning of what he said. I still don't. With his finger, he traced a line on my chest and said, today I have changed the direction of one of your nerves. Your chest will not hurt after today. I have never had the pain again. सोचिए कैसे एक गुरुजी ने सिर्फ एक उंगली घुमाई और उन आंटी का चेस्ट पेन अब तक ठीक है. I have seen Guruji bring a person suffering from a stroke back to normalcy by just holding his pulse for a while or doing a person dialysis through his photograph. By just one touch, he would bring down a person's high fever or lost memory. He has cured incurable diseases like AIDS and cancer, blindness and deafness. I have also seen him join broken ribs by sprinkling amrit on a person's chest. He would make our pimples disappear by just touching them. तो सोचिए गुरुजी के टच करने से एड, कैंसर, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, पिंपल्स सब ठीक हो जाते थे गुरुजी के टच करने से. सोचिए गुरुजी कल्याणकारी भी हैं और श्रृंगारकारी भी. सो ट्रू. जब पिंपल्स हटा दिए ऑब्वियसली किसी फीमेल्स के तो डेफिनेटली श्रृंगारकारी भी गुरुजी हो गए. ही वुड ऑफन से सिटिंग इन डेली ही ज्वाइंड अ ब्रोकन हिप ऑफ एन 80 ईयर ओल्ड वुमेन इन चंडीगढ़. पीपल हु कुड नॉट वॉक प्रॉपरली हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम डांसिंग टुडे. देखिए कैसे 80 ईयर्स ओल्ड की गुरुजी ने ज्वाइंट ठीक कर दिया और वो डांस कर पाई आंटी बाद में. स्किन डिजीजेज हैव डिसअपीयर्ड ओवरनाइट एंड विद हिज ब्लेसिंग सम पीपल वुड बी टोल्ड बाय गुरुजी टू ट्रेवल बाय एयर टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. ही वुड स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट अ ट्रेवल मस्ट बी बाय एयर एंड नॉट बाय ट्रेन और रोड. गुरुजी दे कुड इजिली हैव ट्रेवल्ड बाय रोड. Why did you stress on them flying down? I asked. कई लोगों का इलाज ना अते जमीन ते पानी ते नहीं हो सकता, इसलिए मैनू उन्हानू हवा विच उड़ाना पैंदा है क्योर करन वास्ते.
तो देखिए कई बार गुरु जी ये कहते थे कि आप रोड से मत जाओ, खाली फ्लाई करके जाओ. देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट बी क्योर ऑन लैंड ऑन वाटर, देयर फॉर आई टेल देम टू टेक अ ट्रिप बाय एयर सो आई कैन क्योर देम इन एयर. देयर वॉज अ नथिंग दैट ही कुडंट डू. असी महापुरशां दा मूड होंदा है, सानू पता है केड़ा बेस्ट टाइम है तुहानू ब्लैस करन दा. जे मैं 11 बजे तैनू ब्लैस करना है तो तुसी 10 बजे उठ खड़े होके कहो कि असी हुण जाना है, तां तुसी मेरी ब्लैसिंग्स मिस कर जाओगे. फिर साड़ी मौज 5 साल नू आए या 50 साल नू असी कह नहीं सकते. इस लई जदों महापुरश आग्या दें तां ही घर जाओ. We Mahapurush have our moods. We know when it is the best time to bless you. If suppose my mood has come to bless you at 11 p.m. and you get up to take leave at 10 p.m., then you will miss out on my blessings. My mood to bless you again may or may not come in the next 5 or 50 years. I don't know. Therefore, always leave when I tell you to go and not before. So, Sangaji, this is kitna. Dekho, Guruji ne bola hai ki isliye kehte hain ki jab aap संग में गए हो, कहीं गए हो, तो गुरु जी की आज्ञा लेके निकलो. और अगर आपको किसी चीज वहां से किसी वजह से रोक लग गई है, कुछ होता है, तो समझो शायद उसमें गुरु जी का ही कुछ मतलब ब्लेसिंग्स हैं या कोई चीज है जी. देखिए, और अगर वो गुरु जी का मूड चेंज हो गया तो वो ब्लेसिंग है तो 5 साल के लिए या फिर 50 साल के लिए आपके हाथ से निकल जाएंगे. जी मैनू किसी नो हथ ला दिया तो उसका रोम रोम शुद्ध हो जाता है. जे तुसी मैनू हथ ला लो तो 1000 पांट का फल मिलता है. जे मैं थानू गले ला लिया तो 5000 पांट का फल मिलता है. सिर्फ एक महापुरुष ही चौराहों तो मुक्ति दिला सकता है. सॉरी संगत जी फॉर द प्रोनंसिएशन, थोड़ा सा इसमें. इफ आई टच समवन इज एवरी पोर्स गेट्स प्योरिफाइड. इफ यू टच मी यू गेट द बेनिफिट ऑफ 1000 प्रेयर्स. इफ आई एम्ब्रेस यू यू गेट द बेनिफिट ऑफ 5000 प्रेयर्स. ओनली अ महापुरुष कैन ग्रांट यू फ्रीडम फ्रॉम द 5 वाइसेस, नेमली प्राइड, ईगो, एंगर, temper, greed, urges, attachment, dependency and lust, addiction. Such are the ways of Guru. One may never completely agree with them or understand them, but everything he does or says has a meaning behind it. Remember, only a Guru can see the bigger picture. You and I are not equipped with that kind of vision. So, this chapter 15 complete. So, Sangat ji, sochiye कि गुरुजी ने कितना इसमें बताया है कि जब गुरुजी को कोई हाथ लगाता है या गुरुजी किसी को हाथ लगा दें या गुरुजी ने अगर किसी को एम्ब्रेस कर लिया सो उसके कितने पाठों का फल है. तो इसमें से पढ़ने से तो मुझे यही समझ में आया कि मैंने गुरुजी के चरण छुए तो मेरे को कम से कम 1000 प्रेयर का तो फल मिलता ही मिला. तो आई थिंक गुरुजी का बहुत शुक्राना जो आई थिंक कितनी बार मैंने अगर जब भी चरण छुए हैं गुरुजी के तो आई थिंक 1000 करके गुरुजी ने कितनी सारी प्रेयर्स का मुझे तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि जो आपने मुझे इस लायक समझा, मुझे चरण छूने दिए. बट वो कहते हैं लालच कभी ख़त्म नहीं होता. लगता था गुरुजी हमें ऐसे कर लें, गुरुजी हमें ये कर लें, हमें गुरुजी घुमाने क्यों लेके नहीं गए, गुरुजी हमें ऐसे क्यों नहीं किया. बट चुनो संगत जी जितना किया गुरुजी ने वो भी कोई कम थोड़ी था मेरे लिए. गुरुजी के साथ बैठना, उनकी बातें सुननी, उनके चरण छूना, उनके वहाँ बैठ के लंगर करना, यू नो गुरुजी से वो कल्याण किता, ऐश कर, वो सब सुनने, मतलब अमेजिंग. मतलब बहुत शुक्राना गुरुजी जो आपने सच में इतना मुझे ब्लेसिंग्स दी, इतना मुझसे इतना प्यार दिया हम सबको. और गुरुजी सच में कभी बहुत रेयर होता था जब गुरुजी ने हमें बोला कि जाओ, हम लोग तो खुद ही अपना मतलब आज्ञा ली और वहाँ से निकल जाते थे. लेकिन कभी हम बैठ जाते थे तो कभी गुरुजी कहते नहीं थे कि तुम मतलब जाओ. सो हम लोग खुद ही उठ के चले जाते थे लेकिन कभी गुरुजी ने रोका भी नहीं ऐसे. बट वो रोक कभी ऐसे लगती थी कि कई बार जैसे अचानक से आ गया कि अभी सत्संग होने वाला है या अचानक से कोई प्रसाद आ जाता था तो फिर हमें लगता था नहीं अगर प्रसाद आ गया तो डेफिनेटली इसका मतलब गुरुजी चाहते हैं कि हम लोग रुके वहाँ पे.
तो फिर हम लोग रुक के प्रसाद लेते थे, कई बार रात को गुरु जी कड़ा प्रसाद करवाते थे, सो चाय प्रसाद भी कभी कभी आ जाता था। और गुरु जी ने काफ़ी लोगों को काफ़ी कुछ कराया, और कई बार बड़े मंदिर में होता था कि गुरु जी हम लोग निकल रहे होते थे, 2-2.5 बजे रात को होता था, तो एकदम से अनाउंसमेंट होती थी कि गुरु जी ने आज्ञा दी है दोबारा लंगर करो, और यू नो फिर हम भाग के जाते थे लंगर करने के लिए। और एक दो बार तो हमें पैक पैक करके भी मिला था, और गुरु जी मतलब कहते, एक बार मुझे याद है कि जब हम लोग जा रहे थे और मैं पूरा फुल हो गई थी क्योंकि बहुत इस भूख लगी हुई थी, और हमने बहुत अच्छे से लंगर किया, मतलब बड़ा छक्के जैसे कहते हैं लंगर किया हम लोगों ने, और उसके बाद वो लंगर थोड़ा लेट हुआ और हम लोग पूरा फुल थे, और तभी आज्ञा हो गई कि गुरु जी ने कहा कि लंगर दोबारा करो। सो यू नो जाके दोबारा लंगर किया, क्योंकि देखिए गुरु जी की आज्ञा है तो वो तो हमें माननी है, तो वो हम लोग गुरु जी की आज्ञा मतलब हम लोग करते थे। और सो बहुत अच्छा लगता था फिर, क्योंकि गुरु जी अब क्या बोलेंगे, गुरु जी हमें रोक लें, गुरु जी हमें कुछ करें, गुरु जी कुछ। सो जब बड़े फंक्शन भी जब कुछ फंक्शन हो रहा था तो हम लोग बहुत कई बार गुरु जी कहते, कई बार आज्ञा होती थी कि अब लोग चलो सारे दिल्ली वाले चलो। सो एक बार मुझे याद है कि मैं ऐसे ही जब हम लोगों को बोला कि आज्ञा होगी अब जाओ आंटी, आप गुरु जी ने आज्ञा दे दी है, खाली पंजाब वाले रुकेंगे। यू नो जब हमारी हम जो थोड़ा सा वो होते हैं लालची होते हैं ना गुरु जी के लिए बेसिकली, तो हम एक वहाँ आंटी वहाँ बैठी थी, तो उन्होंने कहा अरे तो वो तो हमारे भी मम्मी पंजाब से हैं, मतलब ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला, कुछ बोला कि हम तो पीछे पंजाब से हैं। सो मैंने भी बोला, मैंने कहा अरे वो तो मेरी मम्मी भी पंजाब से हैं, सो हम तो पंजाब वाले हो गए, हम तो बैठ सकते हैं। तो होती हैं कि, और मैं फिर वहाँ बैठी रही। सो आई थिंक वो गुरु जी मुस्करा रहे होंगे कि भाई लाइक मम्मी का नाम लेके जो भी था, मतलब हम लोग लालच से ना हर कोई वहाँ लालच से रुकना चाहता था। सो सच में, लेकिन वो मैं अभी बिल्कुल उस उसमें पहुँच गई हूँ जब गुरु जी अंपायर स्टैंड में बैठते थे और हमें लंगर कराते थे, जो मैं सब पढ़ती जा रही हूँ क्योंकि मैं सब रिकॉल कर पा रही हूँ कि सच में हाँ गुरु जी ऐसे बोलते थे, ऐसे करते थे। कई लोगों को मैंने देखा था चाय प्रसाद देते हुए, बट मेरे को नहीं मिला, बट हाँ गुरु जी के आगे बैठे हुए हम लोगों ने काफ़ी चाय प्रसाद लिया है, गुरु जी के हाथ से प्रसाद खाया हुआ है। गुरु जी एक हाथ से देते थे और हमारे दोनों हाथों में मतलब बहुत ज़्यादा, कि वो इतने सारे, मुझे एक बार याद है कि गुरु जी ने एक बार कैंडीज दी थी, तो गुरु जी ने ऐसे उठाई और ऐसे मेरे हाथ में पकड़ा दी, और मेरे को इतनी सारी टॉफीज, इतनी सारी, और सब लोगों को ये होता था क्योंकि वहीं खानी है हम लोगों को ना। सो हम लोगों ने भी वहीं खा रहे थे, लेकिन वो इतनी सारी थी, वो पूरा नहीं खाई जा रही थी मेरे से जितनी खा सकते थे, तो वहीं सब लोग रैपर्स फेंक रहे थे, तो मुझे लग रहा था मैंने कहा, लेकिन मैंने वो रैपर्स नहीं फेंके, वो आज तक मेरे पास रैपर्स पड़े हुए हैं, सिर्फ ये सोचकर कि ये जो रैपर्स हैं, क्योंकि वो कैंडी तो उसके अंदर है ना, टॉफी तो उसके अंदर है, लेकिन उसके ऊपर पहले रैपर है, वो गुरुजी ने टच करके दिए, तो उन पर वो टच किया हुआ है ना मेरे गुरुजी ने, तो वो मेरे पेरे आज भी संभाल के रखे हुए हैं कि मेरे गुरुजी के हाथ लगे हुए हैं उसके ऊपर, उस रैपर के ऊपर। सो गुरुजी का कुछ भी छुआ हुआ, मतलब लाइक जैसे गुरुजी ने DVD दी, एक बार एनवलप दिया था हमें, सो बहुत शुक्राना गुरुजी का। मे बी आई विल शेयर विद मोर सत्संग नेक्स्ट टाइम। सो संगत जी बहुत बहुत सबका थैंक यू, सबको जुड़ने का बहुत गुरुजी का शुक्राना। और फिर वही विद बस बीइंग माय डॉक्टर एज अ मैसेज कि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, अपना प्लीज़ ध्यान रखिए, सारे मास्क पहन के रखिए, मास्क इस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन है हर चीज़ से बचने के लिए, क्योंकि जो नए वायरस आ रहे हैं हमें नहीं पता वो क्या है, उनकी वैक्सीन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा। अपने आप को अगर सेफ रखते हो, अपने हाथ धोते रहते हो, हैंड सैनिटाइज करते हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनवाते हो, सोशल तो नहीं हो सकती क्योंकि सोशली तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो इसका आपने ध्यान रखना है। सो इसी के साथ सबका बहुत थैंक यू, गुरु जी का बहुत शुक्राना, जय गुरु जी। एंड थैंक यू एवरीवन, सबको बहुत जय गुरु जी, क्योंकि काफ़ी सारे नाम हैं, तो सबको बहुत जय गुरु जी।